चांद सूरज के बाद अब सारा आकाश। अक्टूबर में इसरो लॉन्च करेगा गंगनयान की टेस्ट की उड़ान। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण का सराहना की और बताया कि गंगयान का अगला परीक्षण अक्टूबर में हो सकता है। आदित्य L1 की लॉन्च को भारत के लिए एक सुखद क्षण बताते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीहरिकोटा के दरवाजे खोल दिए हैं। गगनयान की परीक्षण उड़ान अक्टूबर में, उन्होंने कहा यह भारत के लिए एक सुखद क्षण है। और दूसरी बात, चंद्रयान की तरह यहाँ भी पूरा देश शामिल था और यह संभव हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री ने श्रीहरिकोटा के द्वार खोल दिए हैं। वह इन सभी हितधारकों को एक साथ लाए हैं और उन्हें एहसास कराया है कि यह मिशन पूरे भारत का है। मुझे लगता है कि अगली गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान होगी जो अक्टूबर महीने में हो सकती है, यानी अगले महीने ही 2024 तक भेजा जाएगा चालक दल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री इसी साल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था पहला परीक्षण यान मिशन 2023 में योजनाबद्ध है। इसके बाद दूसरा परीक्षण यान TVD2 मिशन और 2024 की पहली तिमाही में होगा जो गगनयान LVM3 G1 का पहला मानव रहित मिशन है।